बहुचर्चित पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सामने आया है और दिल्ली के लोकनायक भवन में उनसे ईडी पूछताछ करने के लिए समन भेज चुकी है। पनामा पेपर लीक्स मामले में लंबे समय से कई लोगों का नाम आता रहा है। इससे पहले अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए ईडी ने अपने यहाँ बुलाया था। सूत्र कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे जाने वाले सवालों की सूची पहले ही ईडी ने तैयार कर ली है। हालांकि ऐश्वर्या राय इन सभी दस्तावेजों को पूरी तरह झूठा बताती रही हैं। आपको बता दें कि इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों समेत उद्योगपति और लगभग 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं और इन सब पर टैक्स धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आइए एक बार आपको याद दिला दें कि दरअसल ये मामला था क्या। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसैक फोनसेका का 40 साल का डेटा 3 अप्रैल 2016 को लीक हो गया। इसमें खुलासा हुआ कि दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए इस ऑफशोर कंपनी में पैसा लगा रहे थे। इन दस्तावेजों में कई फिल्मी सितारे और उद्योगपतियों का नाम सामने आया। बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग भी दिखाई दे रही थी। इनमें बच्चन परिवार का भी नाम था और बताया ये भी गया कि ऐश्वर्या राय देश से बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी हैं और इसमें उनके पिता, उनकी माँ और उनके भाई पार्टनर हैं। ईडी लगातार इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है और उसी कड़ी में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हो रही है। इससे पहले संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पनामा पेपर लीक मामले में ये जानकारी दी थी कि भारत से संबंधित लोगों के 20,078 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का इसमें पता चला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।